हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी आप म्यूचुअल फंड करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कौन सी सावधानियां बरतनी है। इसी के साथ में जो कि SBI वाले धोखा कर रहे हैं, वो किस तरीके से धोखा कर रहे हैं, वो चलिए हम जान लेते हैं। मैंने यहाँ पर खुद म्यूचुअल फंड में जो पैसा है यहाँ पर निवेश कर रखा है, और ऐसे में अगर आप भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसों को निवेश करते हैं तो आपके भी साथ यहाँ पर धोखा हो रहा है, ठीक है, या फिर आपने इसमें निवेश कर रखा है तो आपको यहाँ पर सही जानकारी आपको इसके बारे में पता होनी ही चाहिए, ठीक है, कि आखिर किस तरीके से ये धोखा कर रहा है। ये मेरा मोबाइल है और इस मोबाइल की जो स्क्रीन है आपको बराबर में साइड में देखने को मिल रही है। तो चलिए, मैं यहाँ पर जो SBI की योनो एप्लीकेशन है, मैं इसमें आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको वेबसाइट के जरिए दिखाऊंगा, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर अपना MPIN एंटर कर दिया है और उसके बाद में यहाँ पर ये एप्लीकेशन है पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि माई इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 लाख और यहाँ पर 94,514.71 पैसे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर जो इसकी नेट एसेस वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जो नेट एसेस वैल्यू है वो है 328.02 सौ 51, ठीक है, पर यहाँ पर जो NAV है वो यहाँ पर गलत दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो दिखा रहा है, कम से कम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैल्यू है वो है 18 जुलाई को, ठीक है, 18 जुलाई को यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुई है अभी तक इसको, ठीक है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है वो अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है NAV, ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम पैसे को निवेश करते हैं या फिर हम पैसे को निकालते हैं, तब हम उसकी डायरेक्ट यहाँ पर NAV देखते हैं कि घटी है कि बढ़ी है, ठीक है, और यहाँ पर जो पैसे हैं हमारे वो भी बेकार दिखा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पर जो नेट एसेस वैल्यू है, यानी कि जिसे हम NAV बोलते हैं, वो यहाँ पर 388 दिखा रहा है, और जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे रुपए की, वो है यहाँ पर 4,94,514 रुपए, ठीक है। अब मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पर अपना क्रोम ओपन कर लेता हूँ। क्रोम में मैं यहाँ पर लिखूंगा SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रो, ठीक है, और जो कि मेरी यहाँ पर ये स्कीम है वो यही स्कीम है, आप यहाँ पर देख पा रहा है SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसी को यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखकर सर्च कर दिया है SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रो, ठीक है, मैंने इस पर सिंपली क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब हमारे सामने है ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ये एकदम करेक्ट डाटा दिखाएगी और इससे भी ज्यादा जो करेक्ट डाटा है वो क्या है, ठीक है, वो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और ये किस तरीके का धोखा है वो आपको लास्ट में सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप जो NAV है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो फंड है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है, और जो NAV है 383 है, ठीक है, और आपने जो कि एप्लीकेशन के जरिए देखे, जो कि उनकी खुद की एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वहां पर जो NAV है वो दिखा रहा है 388, ठीक है। अब 388 कब थी और यहाँ पर कितना कितना क्या क्या अंतर हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी ये लोड हो रही है और मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जो मेरे पैसों की वैल्यू है वो एक्चुअली में कितनी होना चाहिए और कितनी हो गया अभी, ठीक है। यहाँ पर जो ऑन टाइम देखने को मिल रहा है, मैं ऑन टाइम यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर पर सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ 3,50,000, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 दिसंबर को अपना म्यूचुअल फंड में पैसा को निवेश किया था और उस समय जो वैल्यू थी वो उस दिन की डेट में यहाँ पर डाल देता हूँ कि आज की डेट लगाकर ये म्यूचुअल फंड कितना होना चाहिए, ठीक है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। एक तो ऐड आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दिसंबर यानी कि 9th महीना हो जाता है स्टार्ट, तो मैं यहाँ पर 9वां महीना और उसके बाद में 1 दिसंबर, ठीक है, और 2023 मैंने 23 में किया था, और आज की ये डेट आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं 22/7/2024, ठीक है,
उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में आप यहां पर ये देख सकते हैं कि अभी जो वैल्यू है आपके रुपए की कितनी होना चाहिए, ठीक है। तो जो प्रॉफिट ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1,38,266 रुपए का जो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने 1 साल के लिए ही म्यूचुअल फंड में निवेश किया था। अगर आप कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,88,266 दिखा रहा है और वहां पर आपको दिखा रहा था यानी कि 94,000 जो कि 500 कुछ दिखा रहा था, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर एक बार दिखाई भी देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,94,514 और यहाँ पर लगभग 6,000 रुपए का यहाँ पर अंतर दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि एनएवी है वो यहाँ पर गिरी हुई है, ठीक है। तो अब एनएवी गिरी हुई है तो इसका मतलब है कि वहां पर जो खुद की उसकी वेबसाइट है, ठीक है, जो भी उसकी खुद की एप्लीकेशन है उस पर जो डाटा है वो वहां पर ना तो अपडेट हो रहा है और ना ही वहां का करेक्ट डाटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो और आपको बता दूं, अगर आप पैसे में पैसे को विड्रॉल करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भारी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा कि यार पैसे की वैल्यू इस समय बढ़ी हुई है, और ऐसे में अगर आप पैसे को विड्रॉल करते हैं अपने बैंक में लेते हैं तो आपके वही पैसे वहां पर कट पिट के आएंगे, ठीक है। तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा अगर वेबसाइट से जाकर देखते हैं इनकी या फिर एप्लीकेशन के थ्रू जाकर देखते हैं, ठीक है। पर अगर आप इन वेबसाइट के जरिए सब कुछ जांच पड़ताल करके पैसे को विड्रॉ करते हैं तब आपको यहाँ पर अधिक बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसकी है जैसे कि आप देख सकते हैं 4,94,539 दिखा रहा है, पर आज की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,86,000, ठीक है। और उसके बाद में 4,88,266 यहाँ पर ये बैठ रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट डाटा है वो आपको यहीं पर ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप जब भी म्यूचुअल फंड में पैसों को निवेश कर रहे हैं या फिर आप पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं तो आप वेबसाइट पर भी जाकर देखें, ठीक है। आप एप्लीकेशन के ही थ्रू जाकर ना देखें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कितना आपका प्रॉफिट हुआ है अब तक, ठीक है। और टोटल जो पैसे की वैल्यू है आपकी कितनी हुई यानी कि जो सेल वैल्यू है और जो आपका प्रॉफिट दोनों मिलाकर यानी कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था और जो भी आपका प्रॉफिट है वो दोनों को मिलाकर सेल वैल्यू, ठीक है। तो वो आपकी हो जाती है 4,88,266, ठीक है। तो आप यहाँ से करेक्ट डाटा जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अगर आप म्यूचुअल फंड में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं या फिर आपने निवेश कर रखा है या फिर आपको इस चीज के बारे में पहले पता नहीं था कि रियल जो जानकारी है तुरंत लेटेस्ट अपडेट वाली वो आप कहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पता चल गई होगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, तो आपको इससे कहीं ना कहीं जरूर बेनिफिट होगा। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि आखिर SBI वाले कहाँ पर धोखा कर रहा है, कहने का मतलब वो यहाँ पर जो जानकारी है रियल वाली वो वहां पर अपडेट नहीं कर रहा है यानी कि लेट अपडेट कर रहा है, ठीक है। अब जब भी इसका जो ग्राफ वगैरह है ऊपर की तरफ हो जाएगा तब कहीं पर जाकर अपडेट होगी वो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।